इस लीड के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ये किस चीज़ का लीड है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सेटअप बॉक्स में लगता है और ये टीवी में लगता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि एलईडी में ये लगता है और ये सेटअप बॉक्स में लगता है, आपने देखा होगा। और अगर आपका ये ख़राब हो गया होगा लीड, तो आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। और अगर ये ख़राब हो गया और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इस समय ये मटेरियल दुकानें बंद हैं, तो आपको मिलेगी नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो आप घर पे बैठे हैं तो आप टीवी भी कैसे देखेंगे, आपका मनोरंजन भी नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आज हम इसको रिपेयर करेंगे, या हमारे घर में जो पड़े हुए हैं ख़राब सामान, उससे ही एक ऑडियो वीडियो लीड बनाएंगे और दिखाएंगे आपको। और इसके पिन के बारे में आपको बताएंगे, कौन सा पिन किसका किस में काम आता है, कौन सा वीडियो का होता है, कौन सा ऑडियो का होता है, कौन सा ग्राउंड का होता है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाजू में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी इस पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने कुछ ऑडियो वीडियो लीड लिया है, तो आप देखेंगे कि ये पुराना है, मेरे पास पड़ा हुआ था इस तरह का लीड। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये जो आपका लीड है ये आप चेक कर सकते हैं, क्या पता ये ख़राब यहाँ से हो, तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, बाकी इसको आप काट लीजिए, ठीक है। तो इसको काटने के लिए हम क्या काम करेंगे, तो मेरे पास एक कटा हुआ है पहले से, ये हमारे पास पहले से कटा हुआ था, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, ये जो ईयरफोन होता है जिससे हम गाना सुनते हैं मोबाइल में लगाकर, ये लीड पड़ा हुआ था, तो हम इसमें काम करेंगे, इसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस पिन के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि इस पिन का क्या क्या यूज है। तो आप देखेंगे जो पहला पिन है ये ग्राउंड होता है, और जो दूसरा है ये वीडियो का होता है, और ये ऊपर, और ये दूसरा नीचे वाला, ये दोनों ऑडियो का होता है, ठीक है। तो ऑडियो लेफ़्ट राइट हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई सा भी तार जोड़ सकते हैं लेफ़्ट राइट, लेकिन इसका ध्यान देना है दोस्तों ये वीडियो का होता है और ये ग्राउंड का होता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, इसमें ये जो दो पिन दिखाई देता है आपको, तो जो बाहर वाला होता है ये ग्राउंड होता है, इसका भी ग्राउंड, इसका भी ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड होता है, और जो ये निकल रहा है ये हमारा ये ऑडियो का हो गया, ये भी ऑडियो का हो गया, जो पीले कलर का होता है दोस्तों ये वीडियो का होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वीडियो का कौन सा है, तो वीडियो का हमारा ये येलो कलर का है। तो आप इसमें देखेंगे जो येलो कलर का, यहाँ से मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे, जो यहाँ से कंटिन्यूटी बताएगा वो वीडियो का होगा, ठीक है। तो येलो कलर का है फिलहाल, इसमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है, मैंने चेक किया, बीच वाला येलो कलर का है, तो आप येलो कलर का आप इसमें ज्वाइंट करेंगे, इस पॉइंट में आप ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में ज्वाइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लीड को यहाँ से छीलेंगे, तो आयरन से आप ऐसे रखेंगे तो ये छिल जाएगा, ऐसे रखेंगे आप ये, और पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो ये निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें कनेक्शन इसको कर देता हूँ थोड़ा सा शोल्डर लगाकर, और इसको मैं छील देता हूँ। अगर आयरन शोल्डर नहीं है आपके पास कोई दिक्कत नहीं, इसको किसी ब्लेड से ऐसे करके छील सकते हैं आप। तो इसमें इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये ग्राउंड का है, और बाकी ये जो होता है माइक का होता है एक, और एक लेफ्ट राइट ऑडियो का होता है, ठीक है। तो ये तो लीड में होता है, उसी तरह से इसमें भी चार वायर होते हैं, तो एक ग्राउंड का हो जाएगा, एक वीडियो का, और दो ऑडियो का हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि ये यहाँ से हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जो नीचे वाला पॉइंट है ये ग्राउंड का है, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी वायर हो सकता है ग्राउंड का, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर यही होता है,
ग्राउंड का, जो सिल्वर कलर का होता है ये ग्राउंड का होता है ज़्यादातर, ठीक है, गोल्ड कलर का जो होता है ग्राउंड का ही होता है ज़्यादातर। और बाकी माइक का होता है, तो माइक वाला जो होता है, जैसे कि ऑडियो वीडियो लीड में होता है हमारा, सॉरी जो ईयरफोन का लीड होता है उसमें भी ये वाला पिन माइक का होता है, ये ग्राउंड का होता है, ठीक है, लेकिन इसमें ये ग्राउंड होगा और ये माइक सॉरी वीडियो का होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसको मैं छील लेता हूँ शोल्डर से या ब्लेड से, मैं इसको आयरन से गर्म करके इस पर शोल्डर लगा के छील लेता हूँ। तो अगर ये ब्लेड से नहीं छिलता, अगर आपके पास आयरन है तो आप इस तरह से शोल्डर इस पे जो कोटेड किया होता है कलर पेंट, उसे आप छुड़ा सकते हैं, ठीक है, ये देखिए बहुत ही आसानी से छूट जाता है। इसी तरह से इसको भी हम इस तरह से आयरन और शोल्डर इस पे हम पिघलाएंगे आयरन से, तो इस पे जो कोटेड किया हुआ है इसको हम इस तरह से छुड़ा देते हैं, या तो आप आयरन ब्लेड से भी छील सकते हैं इसको, उससे भी छिल जाता है। तो हमने इस तरह से इस पर सोल्डिंग कर दिया है। अब इसको मैं देख लेता हूँ कौन सा वायर किसका है। तो ये जो लीड है इसको हम साइड सबसे नीचे वाले में लगाएंगे जो कि ग्राउंड का होता है, तो इसमें हम ग्राउंड चेक करेंगे कौन सा है। तो ये नहीं बता रहा है, ये ब्लैक वाला शायद हो सकता है। तो ब्लैक वाला देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, बीप का आवाज़ भी आ रही है, तो ये हमारा ग्राउंड का हो गया, ठीक है। तो ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड का है जो कि हम ग्राउंड वाले में जोड़ेंगे। उसके ऊपर वीडियो का होता है, ये हमें पता करना चाहिए। तो वीडियो का देख लेते हैं कौन सा है। तो वीडियो का ये जो सिल्वर कलर का है ये वीडियो का है, तो बाकी दोनों ऑडियो का होगा, तो हम उसी हिसाब से अब इसमें कनेक्ट करेंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी ग्राउंड है यहाँ पर, ये देखिए जो आउटसाइड वाला होता है आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं इस तरह से, जो बाहर वाला होता है ये देखिए बाहर वाला ये ग्राउंड होता है। तो जितने भी बाहर वाले हैं सबको एक साथ कनेक्ट कर दूंगा मैं इसका भी इस तरह से। कनेक्ट करने के बाद इन सारे को हम इसके ब्लैक वाले में जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, और जो हमारा वीडियो वाला है वो वीडियो वाला हमारा येलो कलर का था, इसको हम गोल्ड कलर वाले को इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और बाकी जो दो बच गए हैं लेफ्ट राइट उसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। और राइट ऑडियो को इसी में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद इस पे हम टेप मार देंगे। तो इस तरह से हमारा लीड बनकर तैयार हो गया है, और इसको हम अपने सेटअप बॉक्स में लगाएंगे और ये इसे टीवी में लगाएंगे। या तो आप अगर आपके एलईडी में नहीं है, एलईडी में भी कई सारे होते हैं, तो आप इसको एलईडी में लगा सकते हैं, इसको सेटअप बॉक्स में लगा सकते हैं, इसे आप होम थिएटर में भी यूज कर सकते हैं, इसे मोबाइल में लगा के इसे होम थिएटर में लगा सकते हैं और ऑडियो सुन सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।